Hey dear viewers, Pooja this side. Welcome you all to my channel Cupid's Call. आज हम बात करने जा रहे हैं उन पांच तरीकों की जिससे आप किसी भी hurtful attachment से बाहर निकलकर एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। Hurtful attachment का मतलब ही यही है कि सही से कोई रिश्ता जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं चल रहा है। तो ये कुछ पांच तरीके हैं हर्टफुल अटैचमेंट हटाने की, जिसमें सबसे पहला आता है, कोशिश कीजिए उस इंसान को समझने की। इसे आप अपनी जिंदगी के किसी भी व्यक्ति पर देख सकते हैं, जैसे आपके पार्टनर का बैकग्राउंड कैसा है, यानी वो किस परिस्थिति से आया है, या बॉस का नेचर कैसा है। मान लीजिए कि आपका नेचर जॉली है, मजाक करने का नेचर है, और बॉस का नेचर गंभीर सीरियस रहने का है, तो यहाँ मतभेद होना लाजमी है, इस बात का ख्याल रखें। दूसरा तरीका आता है, कोशिश कीजिए खुद को समझने की। हम सभी चाहे एक जगह रहते हो, काम करते हो, फिर भी हमारी जिंदगी अलग है और इसके जीने का तरीका भी अलग है, तो आप खुद के तरीके से किसी को कैसे समझ सकते हैं। तीसरा तरीका है, माफी मांग लीजिए। देखिए, माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा तो नहीं हो जाता है, उस पर ही सबसे सरल तरीका है अपनों के करीब आने का। अब जब आप खुद की और सामने वाले की परिस्थिति समझ चुके हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो उनसे माफी मांग लीजिए। अगला तरीका है, माफ कर दीजिए। मेरा मानना है, यहाँ कोई पहले से सब कुछ जानकर समझकर नहीं आया है, उस पर किसी से अनजाने में गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिए। आखिर हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होते रहती हैं। किसी छोटी सी बात पर एक अच्छा रिश्ता ना गवाएं। बात को समझकर उसे अलविदा कर दीजिए। जब आप खुद को और सामने वाले को समझ चुके हैं, वही बात फिर ना दोहराएं। कभी कभी तो जिंदगी हमें माफी मांगने का दूसरा मौका भी नहीं देती है। यहाँ उस बात को समझकर उसे अलविदा कर दीजिए। और एक सरल जिंदगी जीने के लिए अगर कोई गलती की माफी ना भी मांगे, तो उसे अपनी तरफ से माफ करके जिंदगी में आगे बढ़ना सीखें। उस परिस्थिति में माफ करना कठिन होता है जब आप बराबरी से तकलीफ देना जानते हैं और अपनी ताकत से बदला भी ले सकते हैं, पर ये आपके आपसी दुख कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा, और जिंदगी प्रसन्न होने और प्रसन्न करने के बजाय परेशान होने और परेशान करने में बीत जाएगी। तो ये बात कि गलती करने वाला आपका अपना ही है, क्या ये एक वजह काफी नहीं है उसे माफ करने के लिए? ये बात को समझकर उसे अलविदा कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे पांच तरीके जिसे आप किसी भी हर्टफुल अटैचमेंट से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा, तो लाइक कीजिए ये वीडियो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके तरीके हर्टफुल सिचुएशंस को लेट गो करने की। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टिल देन, ऑलवेज लाफ लाइक किड, लिव यंग एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर। थैंक यू।